दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम में शामिल हुआ दिग्गज खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, अभ्यास मुकाबले में ऋषभ पंत के चोटिल होने से भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया है। तो वहीं उनके चोटिल होने से भारतीय टीम में एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसका नाम सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आखिरकार ऋषभ पंत के चोटिल होने की क्या वजह है और उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी हुआ है शामिल, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और संजू सैमसन में से कौन है बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का पहला अभ्यास मुकाबला खेला गया था, जहां इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने 186 रन 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में बना दिए। तो वहीं विरोधी टीम इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 180 रन पर ढेर हो गई और मुकाबले को भारतीय टीम ने कंगारू टीम के खिलाफ 6 रन से जीत लिया। तो वहीं इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए जीत के साथ एक बुरी खबर भी सामने आई, जहां ऋषभ पंत चोटिल होते हुए नजर आए। दरअसल मैच के दौरान ऋषभ पंत डगआउट में बैठकर गर्म पट्टी का इस्तेमाल करते हुए अपनी चोट को आराम देने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में देखकर लग रहा था कि ऋषभ पंत की चोट काफी ज्यादा गंभीर है। तो वहीं गर्दन पर लगी चोट के कारण मुकाबले के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह भारतीय टीम में दिग्गज खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल ऋषभ पंत की जगह एक परफेक्ट विकेट कीपर बल्लेबाज की एंट्री होनी चाहिए। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को शामिल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में शामिल करने के लिए सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन संजू सैमसन को बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया। लेकिन कुछ ही समय से संजू सैमसन का खतरनाक प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ऋषभ पंत की जगह संजू सैमसन को ही टीम में एंट्री मिलेगी, क्योंकि संजू सैमसन ताबड़तोड़ बल्लेबाज ऋषभ पंत की तरह है। इसके अलावा वो विकेट कीपिंग करने में भी माहिर है, साथ ही साथ उनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है और वो ऋषभ पंत की तरह ओपनिंग के साथ मध्यक्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, परंतु ज्यादातर चांसेस संजू सैमसन के ही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजू सैमसन पूरे सरपंच की तरह टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।